हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेफ्ट ओवर इडलीज का एक मेकओवर। जी हाँ, बची हुई इडलियों का आप क्या नया बना सकते हैं, आप उसकी झटपट इडली मंचूरियन बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल चीज़ों से ये जल्दी तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं इडली मंचूरियन। बहुत ही सिंपल चीज़ों की ज़रूरत है इसमें। यहाँ पर हम लेंगे दो छोटे साइज़ के प्याज, अनियन, एक कैप्सिकम और बची हुई इडलियाँ। मेरे पास यहाँ पे 5 बची हुई इडलीज हैं। साथ ही मैं ग्रीन चिलीज लूँगी 2 और गार्लिक क्लोव्स भी लूँगी 2। सबसे पहले हम एक चॉपर में इन प्याज को चॉप करेंगे। आप चाहें तो इन्हें हाथों से भी काट सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइफ आप इसको बारीक काट सकते हैं, पर मैं यहाँ चॉपर में से काटूँगी। देखिए बहुत आसान है। साथ ही मैंने लहसुन भी डाल दिया है। दोनों को इकट्ठे चॉप कर लूँगी। इस तरह से देखिए ये हमारा प्याज और लहसुन चॉप हो गया है, काफ़ी बारीक चॉप हो गया है। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल लेंगे। यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल के लिए हैं और उसके अंदर स्लिट करके मैंने ग्रीन चिलीज डाल दी है। जैसे ही थोड़ी सी ग्रीन चिलीज आपकी सॉट हो जाए, आप उसके अंदर अपने चॉप्ड अनियन डाल दीजिए और इन दोनों को हम थोड़ी देर भुनेंगे। हम फ्लेम लो कर देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर सॉट करेंगे। तब तक हम अपनी शिमला मिर्च चॉप कर लेंगे। मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो उसे हाथों से भी चॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। चॉपर से ये बहुत फाइनली चॉप हो जाते हैं। अगर आप इनके पीसेस करते हैं, बारीक काटते हैं इसे, कई बार वो बाइट्स में अच्छे नहीं लगते हैं। सबका अपना टेस्ट होता है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। चॉपर मेक्स द वर्क मोर ईजी। तो ये हो गए हमारे चॉप। देखिए कितना फाइन चॉप हुए है शिमला मिर्च, हमारे कैप्सिकम भी चॉप हो गई है और साथ ही साथ हमारा जो प्याज था वो भी अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम अपनी चॉप्ड कैप्सिकम डाल देंगे इस तरह से। हमें इसको हाई फ्लेम पे अब सॉट करना है, जस्ट कि इसका जो पानी है अगर इसके अंदर थोड़ा तो वो हमारा ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम रखी है मैंने इस समय। और इसमें मैं डालूँगी ग्रेटेड जिंजर 1/2 स्पून, ज़्यादा नहीं डालना है। साथ ही हम 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। आप बाद में स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, पहले आप इन्हें हल्का ही रखिए क्योंकि आपकी ग्रीन चिलीज भी इसमें डली है, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बन जाए। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो गो अहेड। और साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए क्योंकि आपने इसमें लहसुन और अदरक ऑलरेडी डाला है, तो बहुत स्पाइसी ना हो जाए। नमक स्वाद के अनुसार। और अब इसे बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे टोमेटो केचप, यानी कि सॉस, टोमेटो सॉस 3 छोटे चम्मच। आप टेस्ट कर सकते हैं अपने मसाले को, अगर आपको कुछ भी चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम अपने स्लाइस की भी इडलीज डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक के कुछ देर हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि सब मसाले इडली के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए ये रेडी है टू सर्व। एंड आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।